धुआं शीत अंबर भी देगा और जमी झुक जाएगी। सत्कर्मों से हम सभी के एक नई ज्योत जल जाएगी। सत्कर्मों से हम सभी के एक नई ज्योत जल जाएगी। मैं गरिमा सिंह चंदेल, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय चंद्रवर किशनपुर जनपद कानपुर देहात से अपनी पूरी टीम की ओर से बनारस टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ जनपद कानपुर देहात की झलकियों की ओर। सबसे पहले हमारा जो विद्यालय है, जैसे हम सभी सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हो वो न सिर्फ शैक्षिक स्तर पर अभी तो अन्य प्रतियोगिताओं व जो हमारे कॉम्पिटिशन वगैरह होते रहते हैं उनमें भी बहुत अच्छा प्रतिभाग करें, तो हमारे इस सपने को साकार कर दिखाया है मॉडल जूनियर हाई स्कूल सरैया लालपुर के प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री राजनाथ द्विवेदी जी ने, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए। विद्यालय के छात्रों ने न सिर्फ स्काउट योगा व विद्यालय के छात्रों ने स्काउट योगा व जिम्नास्टिक में भी न सिर्फ जनपद स्तर पर अपितु मंडल स्तर व प्रदेश स्तर पर भी अपने प्रदर्शन का एक उत्कृष्ट परचम रहलाया है और जनपद स्तर पर एक ऐसा प्रतिनिधित्व स्थापित कर दिया है जो प्रदेश के सभी अन्य विद्यालयों के छात्रों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। नेक्स्ट, इसके साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए हम सभी जानते हैं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करनी होती है, तो बहुत ही सुंदर प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है जन समुदाय के सहयोग से। विद्यालय में स्मार्ट क्लास का आयोजन किया गया और साथ में जो सबसे अनूठी पहल एक इस विद्यालय द्वारा की गई है वो है इनकी उड़ान पत्रिका। छात्रों द्वारा रचित कविताओं व उनके द्वारा दी गई सामग्री का संयोजन इसमें किया जाता है और यह वार्षिक रूप से पत्रिका संचालित की जाती है। इसके साथ ही लगातार 3 वर्षों से विद्यालय के 91.2 FM पर जो कार्यक्रम है स्थानीय रेडियो प्रोग्राम वक्त की आवाज में छात्रों द्वारा उनके जो भी कविताएं होती हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है और साथ में संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। उक्त लाइनों का चरित्रार्थ करते हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अतुल जी, जिन्होंने सन 2014 में विद्यालय में ज्वाइन किया और विद्यालय की परिस्थितियों को देखते हुए विद्यालय परिवार के साथ एक संकल्प लिया कि विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में बच्चों का परिवेश कैसा हो, जैसा बच्चे चाहे वैसा हो, और इसी के साथ एक नई खोज निकल के आई कि एक विद्यालय में एक बच्चा एक पौधे का विचार विद्यालय में लाया हरियाली की बहार। विद्यालय में सभी बच्चों को एक एक पौधा लाने के लिए कहा गया और सभी पौधों को रोपित करने के बाद विद्यालय का परिवेश हरा भरा और प्रकृति सौंदर्य से भरपूर हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं विद्यालय में नामांकन की उपलब्धता में सन 2014 में विद्यालय में 66 बच्चे थे, निरंतर प्रयास के बाद सन 2018 में 112 बच्चे, 2019 में 160 बच्चे और वर्तमान सत्र 2020 में 207 बच्चों का नामांकन हो गया है। समुदाय से जोड़ने के लिए विद्यालय ने वृहद स्तर पर राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन किया तथा पिछले वर्ष राज्य मंत्री माननीय श्री अजीत पाल की उपस्थिति में प्रथम वार्षिकोत्सव का समापन किया गया, जिसमें बच्चों के कार्यक्रम तथा विद्यालय परिवेश को देखते हुए मंत्री जी ने विद्यालय की विकास से जुड़ी हुई आवश्यक सामग्री के प्रदान करने का आश्वासन दिया है। जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों में है ऐसा होना जगाना, जहां भी जाए रोशन करते जमाना। जैसा कि हमारा सरकार आज भाषा तथा गणित के कौशल पर विशेष ध्यान दे रही है, हमने भी इसके महत्ता को समझते हुए बच्चों को उस ओर अग्रसरित किया और इसी के साथ अंग्रेजी भाषा पर भी हमारे विद्यालय के लगभग 60% से अधिक बच्चे कर्सिव राइटिंग लिखने में समर्थ हैं और हिंदी और गणित भाषा के महत्व को समझते हैं। इसी के साथ आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम और धैर्य के साथ सुना, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का आदर अभिनंदन करता हूँ और अपने यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों के साथ बस एक ही बात कहूंगा कि मन ही मन कुंठित रहकर अपना तुम हास नहीं करना, प्रस्तुत विकल्प अनगिनत सदा, बस एक प्रयास सही करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर देहात की टीम को इसी कड़ी में आगे और ऐड करना चाहूंगी, बस खत्म है। जैसे अभी बच्चों ने योगा का प्रदर्शन किया था,
तो उसमें जो सॉन्ग बन रहा था उसमें लाइन थी कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, मतलब बनारस की धरती पे जिसने भी कदम रखा वो स्वर्ण हो गया। तो यहाँ इस मंच से मैं आज पूरे उत्तर प्रदेश को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आज हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो तो बनारस में रम गए हैं बिल्कुल, लेकिन जितने भी लोग नहीं देख पा रहे हैं वो लाइव प्रसारण के जरिए इस कार्यक्रम को अवश्य देखें और वास्तव में वह काम करके दिखा दें जो पूरे प्रदेश को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दे कि जिसकी छाप हमेशा अमिट हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद। और इस बीच हम लोग के बीच में हमारे